अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। तुम जब तक उसके साथ रहो तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और क्यों ना हो, कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता देव। आई डोंट नो ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं जिससे प्यार करता हूं वो मुझे छोड़कर चला जाता है। तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा देव, and I'm sure वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगी। गुड लक, गुड नाइट। गुड नाइट। हे गीतांजलि, सो व्हाट हैव यू थॉट? जल्दबाजी में लिए हुए फैसले ज्यादातर गलत ही होते हैं। you can still give it a thought. कितना वक्त देव, जब हस्बैंड और वाइफ एक रिलेशनशिप में खुश नहीं है तो सोचने का क्या मतलब बनता है? आई थिंक वी शुड क्विट फॉरएवर। अग्रीड, लेट्स फाइल फॉर अ डिवोर्स देन। और अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो वी शुड गो म्यूचुअली। एम आई राइट गीतांजलि? गीत के बारे में क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है देव, गीत मेरे साथ रहेगी।
एक 5 साल की बच्ची को उसकी माँ की जरूरत ज्यादा होती है। एंड आई होप यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। या यू आर राइट। हाँ, लेकिन तुम जब भी चाहो गीत को मिल सकते हो। देव, मुझे तुमसे मेरे और गीत के मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं चाहिए। आई नो आई एम बीइंग हार्श, बट आई हैव रियली थॉट ऑफ इट। ओके, एज यू विश। पर तुम लोग रहोगे कहाँ? देव, शायद तुम भूल रहे हो कि पिछले 1 महीने से मैं और गीत मेरी मम्मी के घर पर रह रहे हैं, आगे भी रह सकते हैं। एंड फॉर यू आई लेफ्ट माई करियर। मैं उसको फिर से प्लान कर सकती हूँ। या आई नो यू कैन डू दैट। That's not your problem. मैं चलती हूँ। Bye. All the very best, Geetanjali. You too. Sir, your check, please. Oh, thank you. Have a nice day. Thank you. I'll get you the change back. All right. Tell you very frankly, Shitaj, Dev ke brain mein kai sare tumors hain. And operating them is not possible. Only solution is counseling, just to keep his mind cool. I can prescribe certain medicines. But Shitaj, I can't assure you anything. Kyunki medicines ke zariye tumors ko puri tarah se eradicate nahi kiya ja sakta. But medicines do help a lot. Hmm. I can understand. Dev, just a minute, huh? Yeah, sure. हाँ देव, अच्छा मिले तुम गीतांजलि से? आज मिलने वाले थे ना? मिलकर वापस आ रहा हूँ. Good. Hope everything is fine. I mean, सब ठीक तो है ना देव? हम लोग अलग हो गए हैं हमेशा के लिए. We have separated. यही सच्चाई है. और गीत गीतांजलि की मम्मी के साथ में उसके घर पर ही रहेगी. या बट एटलीस्ट तुम गीत से मिल तो सकते हो ना? कम ऑन, आई एम हर बायोलॉजिकल फादर और मुझसे मेरा ये कानूनी अधिकार कोई नहीं छीन सकता. या आई नो दैट, आई नो. यू नो इट. तो इस तरह का सवाल क्यों किया तुमने मुझसे? जहां तक गीतांजलि को मैं जानता हूं, शी इज वेरी स्टबर्न. करियर के बारे में ज्यादा सोचती है वो, तो मुझे लगा शायद उसने तुम्हें गीत से मिलने के लिए मना किया हो. You're mistaken. गीतांजलि ने अपने और गीत के मेंटेनेंस के लिए भी मुझसे साफ मना कर दिया. In fact, she doesn't want anything, यार. या बट एज अ फादर तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां तो पूरी करोगे ही? Of course, जरूर पूरी करूंगा यार. That's so nice of you, Dev. क्षितिज, मैं मिस्टर राय सिंघानी के साथ मीटिंग खत्म करके सीधे तुम्हारे क्लिनिक में आ जाता हूँ. Is that fine with you? Okay then. Carry on. Bye. Bye. क्या हुआ डॉक्टर क्षितिज? आर यू लॉस्ट समवेयर? हाँ, ऐसे ही सोच रहा था कि गीत का क्या होगा. आई मीन, देव अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता. ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्षितिज, आई एम श्योर. जॉयना, देव अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है. आज वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, पर पता नहीं, मुझे नहीं लगता वो कभी गीतांजलि को माफ कर पाएगा.
What do you think? भूल जाएगा वो गीतांजलि को. Morning, Dev. Hello, sir. How are you? Please, have a seat. Thank you. गीतांजलि मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है. क्या? जी. और तुम क्या चाहते हो? मेरे चाहने से क्या होता है? जब गीतांजलि ने फैसला कर ही लिया है कि वो मुझसे अलग रहकर खुश है, तो उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है. फैसले तो बदले जा सकते हैं. If you like, we can still talk to her. No. I don't think so. We should do that. राय सिंह हनी साहब, गीतांजलि ने अपने मेंटेनेंस के लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा. आई मीन शी डजंट वॉन्ट अ सिंगल पेनी. वो गीत के साथ अपनी मम्मी के घर पर ही रहेगी. तो ठीक है, डिवोर्स के लिए ऑनरेबल कोर्ट का प्रोसीजर मैं तुम्हें समझाता हूँ. डिवोर्स पिटीशन फाइल करने से पहले दो चीजों की जरूरत है. सबसे पहले तो यह है कि तुम और गीतांजलि एक साल के लिए अलग रह रहे हो, एंड सेकेंडली तुम दोनों डिवोर्स चाहते हो. कोर्ट में पिटीशन अंडर सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट जब दाखिल हो जाएगा, तब कोर्ट तुम्हें 8 दिन के बाद की तारीख देगी कि जाकर अपने काउंसलर से मिलो. काउंसलर की कोशिश के बाद भी अगर तुम दोनों अटल रहे कि तुम दोनों को डिवोर्स चाहिए, बस तब 6 महीने के बाद में तुम्हें कोर्ट में वापस आना पड़ेगा तुम दोनों को, और वहां पे एक एफिडेविट साइन करनी पड़ेगी कि पिटीशन में जो भी लिखा है वो सही है. उसके बाद कोर्ट तुम दोनों से पूछेगा कि क्या तुम अब भी डिवोर्स चाहते हो, और अगर तुम दोनों ने हाँ कर दी तो बस कोर्ट तुम्हें डिग्री पास कर देगा. रही बात गीत से मिलने की, क्योंकि उसकी उम्र 7 साल से कम है तो वो अपने माँ के पास में रहेगी ऑब्वियसली, और जहां पे तुम्हारा उससे मिलने का सवाल है वो ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन से वीकेंड पे तुम उससे मिल सकते हो. बस ओके. I presume you're all right.
Yeah, kind of. Dev, would you like to share some information about Gitanjali? I hope you don't mind. Yeah, Dr. Shritij? Actually, I was a bad husband. But she was the worst wife. How bad was she, huh? Batana nahi chahoge? Let's not get into the deep. दरअसल हम दोनों के बीच में दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक दूसरे को टॉलरेट करना इम्पॉसिबल हो गया था. यू नो, वी वर काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर ईच अदर. सो फाइनली वी थॉट ऑफ पार्टिंग आवर वेज. दैट्स इट. ओके देव, आई हैव गॉन थ्रू योर ब्रेन स्कैन. वेल, थिंग्स सीम टू बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट यू डोंट वरी. आई हैव प्रिस्क्राइब सर्टेन मेडिसिन फॉर यू. तुम्हें बस इतना करना है, इन्हें टाइम पर लेना है. ओके okay? Okay, I'll do that. But actually, I'm extremely sorry, doctor. Actually, take your call. No, no, some unknown number. क्या हुआ कि मैं क्षितिज को मिलने के लिए आया था, and somehow I got to know that he's sitting with you. So I just thought. No, no, it's not a problem. बल्कि मैंने भी क्षितिज से कहा था कि तुम्हें फोन करें. Even I wanted to meet you. He was trying your number, but I think your phone was out of coverage area. Actually, वो क्या है ना? He knows where I stay. There is always some network problem. Okay, I'll make a move then. Okay. Okay then, bye. Okay, bye-bye. Okay, bye, Shitij. Okay, see you, doctor. Bye. Take care. Hello. Who's that? Sir Simran. Who's Simran? पहचाना नहीं मैंने. Sir, आप अपना balance money लिए बगैर ही चले गए थे. So I just thought to call you and inform you. How you got my number? Sir, you left your visiting card in my restaurant. Okay. कैसी है Simran? I'm well, sir. आप कैसे हैं? Don't be formal, okay? You can call me. If you don't mind, can we meet? हम मिल तो सकते हैं. और तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है? सर, ऐसी कोई बात नहीं है. फिर सर, hey Simran, let's meet up. I said let's meet up. सर आइए ना आप हमारे रेस्टोरेंट में. We can meet up also. आऊँगा. मैं जरूर आऊँगा रेस्टोरेंट में भी. फिलहाल मैं तुमसे कहीं और मिलना चाहता हूँ. I mean let's meet outside. Do you need some time to think it over? Sir, it's not that way. I'm sorry if I've hurt your feelings. No, 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 not at all. So we are meeting, right? Hum log mil rahe hain. Sounds good. Bye. मुझको मैं तुझ पे जान लुटाता हूं. देख के तुझको मैं सबको भूल जाता हूं. देख ले मुझको मैं तुझ पे जान लुटाता हूं. देख के तुझको मैं सबको भूल जाता हूँ. कटे दिन मेरे तेरे साथ के साए से, होश नहीं है मुझको तेरी चाहत का. होने से होने से होने से होने से देख ले मुझको मैं तुझ पे जान लुटाता हूँ.
मुझे ना छुरा खुद को, रूह में समाने दे, हो करीब तुझसे इतना दूर ना मुझे जाने दे, आज ना छुरा खुद को, रूह में समाने दे, हो करीब तुझसे इतना दूर ना मुझे जाने दे, तेरी हर ख्वाहिशों को पूरा करूँगा, तुझ में ही खुद को मैं मिटा दूँगा, देख ले मुझको मैं तुझ पे जान लुटाता हूँ। बैठ जरा रुक जा, देख लूं तुझे जी भर के, तेरे चेहरे की राहते जी लूं मैं जी भर के, आ बैठ जरा रुक जा, देख लूं तुझे जी भर के, तेरे चेहरे की राहते जी लूं मैं जी भर के, ना होश ना आए समर, तुझ पे ही टिकती है नजर, जरा रुक जा, जरा रुक जा, हो देख ले मुझको मैं तुझ पे जान लुटाता हूँ, देख के तुझको मैं सबको भूल जाता हूँ, कटे दिन मेरे साथ के साए से, होश नहीं है मुझको तेरी चाहत का, होने से होने से होने से होने से, देख ले मुझको मैं तुझ पे जान लुटाता हूँ। एंड दिस इज अ बेडरूम, अब तुम्हें यहीं रहना है, दैट्स अ बालकनी, सिट, होप यू लाइक इट। सो यू लाइक द हाउस? आई डू। जॉयना, यू लुकिंग ग्रेट टुडे। थैंक यू क्षितिज, मैंने देव का ब्रेन स्कैन डॉक्टर एलिस को मेल कर दिया था, ही हैजंट रिप्लाइड येट, बट ही विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक। I hope you don't mind. Okay. और तुम्हें एक बात पता है क्षितिज, डॉक्टर एलिस जो है ना, he's a master on this subject. और देव का ब्रेन स्कैन उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ सकता, इसलिए उनके असिस्टेंस के लिए मैंने उन्हें मेल किया है। Oh, that's great. Can we sit? Yeah, sure. Joyna, profession से हटके कुछ बात करें, at least for today. Please. Oh, I almost forgot. आज तो तुमने मुझे अपने बर्थडे पर इनवाइट किया है ना? पर यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। मैंने किसी को बुलाया ही नहीं है। Why me alone? क्योंकि मैं यही चाहता था। I don't believe this, Kshitij. Please, don't give me all that crap. Joyna, I'm serious. Are you? First of all, Joyna, I must say, I'm highly obliged कि तुम मेरे फ्रेंड देव का ट्रीटमेंट बिना कोई चार्ज लिए कर रही हो। I mean, कोई किसी के लिए इतना नहीं करता Joyna। और दूसरी बात यह कि तुमने मेरी बात मान ली। I mean, you agreed. Thanks a lot. Thanks. Should I tell you something, Kshitij? Yes, of course. कहो ना। Your swimming pool is excellent. You want to swim? Huh?
Just kidding, Joanna. So am I. अच्छा Joanna, ये बताओ, What is your favorite dish? I mean, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? Where is the birthday cake, Kshitij? I want to know. It's not there. हाँ? नहीं है. इसका मतलब आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है. पता नहीं. I don't know. I knew it. तुम सिर्फ मुझसे अकेले में मिलना चाहते थे, है ना क्षितिज? और अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी तो? This is for you. केक की जगह चॉकलेट? Sometimes chocolate can say better than words, Joanna. Is that so? Hmm. Are you serious? I'm always serious. लगता किसी का फोन आ रहा है. Just a second. Yep. Hello. Kshitij. I wanted to give you a kind of a surprise. Surprise? Kaisa surprise? Haan, I'm not single anymore. Oh ho, that's great. Yeah, I found a partner. Oh wow. And you know what? I'm really happy being with her. That's amazing. She's good. Okay. Acha, her name is Simran. Uh-huh. Kshitij, main usse phone de raha hun. Talk to her for a sec. Yeah, sure. Just speak to her. Lo, baat karo, okay? Hello? Hi Simran, Kshitij here. Hi Dr. Kshitij, how are you? I am fine, how are you? I am pretty cool. So, I've heard a lot about you. Mm-hmm. I'm really looking forward to see you soon. Even I would love to. Lo chalo, Dev se baat karo. Okay. Yeah. Achha, just in case mera phone na lage, main tumhe Simran ka number text karta hun. Okay. Bye. Bye. Joanna. देव अब अकेला नहीं रहा. क्या? आई मीन वो सिमरन नाम की किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में है. ये अच्छा नहीं हुआ. क्यों? क्या हुआ? He is not a good guy to live with. Oh come on, Joanna, तुम इतना मत सोचो. हाँ, मैं अपना मूड क्यों खराब कर रही हूँ? Joanna, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए खुश रहोगी. I know that. I promise you. Trust me. Kshitij, मेरा ex-husband Rohit, जिसे मेरा divorce हो चुका है. I hope मैं तुमसे ये सब बातें कर सकती हूँ, क्योंकि कोई भी नई शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ. क्यों नहीं Joanna? बिल्कुल कर सकती हो. He is based in London. शादी के 2 साल बाद तक भी वो मुझे समझ नहीं सका था. अपनी वाइफ को सॉलिटेयर देना तो उसे पसंद था, पर शायद ही ऐसा कोई पल होगा कि उसने बैठकर मुझसे 2 बातें की होंगी. बस बहुत अकेली सी हो गई थी मैं, इसलिए मैंने रोहित से अलग हो जाना ही ठीक समझा, और आज मैं खुश हूं. दिस इज फॉर यू. आज तुम्हारा बर्थडे है ना? जा रही हूँ. अगर तुम आना चाहते हो तो यू मोस्ट वेलकम.
मुझे पता है गीतांजलि की कल गीत का बर्थडे है, बट आई एम अफ्रेड कि कल मैं नहीं आ पाऊंगा। देखो तुम्हें तो मालूम है कि मेरी यहां पर ट्रीटमेंट चल रही है और मुझे काम भी बहुत ज्यादा है। आई एम सो सॉरी बट प्लीज डू मी ए फेवर, तुम गीत को मेरी तरफ से एक बर्थडे किस दे देना। और हाँ, मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं उससे मिलने के लिए जरूर चला जाऊंगा। ओके थैंक्स। इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। आई मेड अ राइट डिसीजन। हेलो। या हेलो। क्या, हु इज दैट? विकास कपूर। देव, कल गीत का बर्थडे और तुम जा नहीं रहे हो, इसकी वजह जान सकता हूं मैं? क्षितिज, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं गीत से मिलने के लिए कल जा रहा हूं। मैंने गीतांजलि से झूठ इसलिए कहा था कि कहीं वो मेंटली तैयार होकर ना आए मुझसे झगड़ा करने के लिए। यू नो शी इज इनटू दिस कॉमन प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग अप स्टोरीज ऑल द टाइम। पता नहीं यार तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, आई रियली डोंट नो। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम्हें यह डर है कि गीतांजलि को सिमरन के बारे में पता ना चल जाए। जरा भी नहीं क्षितिज, गीतांजलि और मैं अलग हो चुके हैं और अलग होने का फैसला मेरा नहीं गीतांजलि का था। और हाँ ठीक है यार, मैं सिमरन के साथ रह जरूर रहा हूं, लेकिन हम दोनों ने अभी शादी नहीं की। यू नो इट्स अ वेरी ओल्ड सेइंग कि लाइफ इज लाइक अ बाइसिकल, इफ यू वांट टू मेक अ बैलेंस यू हैव टू कीप मूविंग। नाउ डोंट टेल मी आई एम मूविंग टू फास्ट। हाँ लेकिन सिमरन से शादी करने के लिए तुम्हें गीतांजलि से डिवोर्स लेना पड़ेगा। गेटिंग मैरिड टू सिमरन इज टू अर्ली यार, पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान तो लें। तुम जानते हो ना मेरे लॉयर मिस्टर राय सिंघानी पूरी डिवोर्स प्रोसीडिंग समझा के गए हैं, एंड दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ वो तो है। अच्छा देव ये बताओ, जॉयना तुम्हें कैसी लगी? शी इज गुड, अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव, वेरी इंटेलिजेंट, शी इज नाइस। यू नो व्हाट, जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारी बात की थी ना उससे, वो तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए फौरन राजी हो गई। और उसने फीस लेने से साफ मना कर दिया। फ्रेंडशिप मीन्स अ लॉट टू हर, शी इज माय गुड फ्रेंड, मेरी अच्छी दोस्त है वो। डोंट वरी क्षितिज, हम जोयाना को इफ नॉट इन कैश इन काइंड तो रिइंबर्स कर ही सकते हैं ना। दैट्स अप टू यू, दैट विल बी गुड। अच्छा देव, तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार का तनाव महसूस हो तो तुम जोयाना से मिलने जा सकते हो, और मुझसे मिलने तो तुम आते ही रहते हो, जब चाहे आ सकते हो। ओके ओके वंडरफुल। Anyways, यार, thanks a lot, Kshitij. Take care, okay? चल, bye. Bye. That's a great idea, Dev. तुम्हें गीत से मिलने जाना ही चाहिए. You must go. Of course, कल जा ही रहा हूँ मैं. Can you get a cup of coffee for me? Yeah, sure. Thank you. डॉक्टर प्रणाला, आई एम अ वेल एजुकेटेड वुमन, मुझे जो मेडिसिन और ब्रेन स्कैन मिले हैं वो डेफिनेटली किसी ब्रेन डिजीज को कनेक्ट करते हैं। सी लेट मी टेल यू सिमरन, डॉक्टर जोयना इज ट्रीटिंग देव, और मुझे और डॉक्टर जोयना को मेरी को डॉक्टर कहो या फ्रेंड, डॉक्टर प्रणाला ने इंट्रोड्यूस करवाया है। सिमरन, देव के साथ ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देव के ब्रेन में कुछ ट्यूमर्स डेवलप हुए हैं व्हिच कैन बी ट्रीटेड। सिमरन, In medical science, every disease has got a solution, provided the disease is detected well, in time. And fortunately, we are aware of the disease, you understand?
So don't worry. Everything will be fine. डॉक्टर क्षितिज, तुम देव को कब से जानते हो? देव को मैं गीतांजलि के थ्रू मिला था. And then we became thick pals. देखो सिमरन, medicines अपना काम करती है, no doubt. But I strongly believe that every disease is treated by the blessings of God. That's true. So you have to have trust in Dr. Joyna and pray to God, Simran. That's it. I always pray to Mother Mary to give me strength. And I'm sure एक दिन देव जरूर ठीक हो जाएगा. हाँ सिमरन, ऐसा ही होगा. डॉक्टर क्षितिज, मैं और देव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. अगर देव को कोई बीमारी भी है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हम दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते. डॉक्टर, मैं तो सिर्फ सच्चाई जानना चाहती थी, सो आई कॉल्ड यू गाइस. और अब मुझे सच्चाई पता चल चुकी है. डॉक्टर, आई होप कि तुम देव को नहीं बताओगे कि हम लोग कभी मिले हैं. आई थिंक यू आर राइट. ही विल फील बैड. बुरा तो उसे लगेगा ही. बस तुम उसे मत बता देना, ओके? डॉक्टर क्षितिज, यू डोंट नीड टू वरी. यू कैन ट्रस्ट मी. या सिमरन, विद योर परमिशन, शैल वी लीव? हां, ओके. एनीवेज, टेक केयर सिमरन. In case of any problem, just call me. Take care. Thank you, doctor. Let's move. Yeah. Okay, bye-bye. Kshitij, please drop me home and move on to the hospital. Okay, I will. Mom, dad नहीं आए. Why do you came alone? Baby, daddy को ना urgent काम से बाहर जाना पड़ा. नहीं तो वो जरूर आते ना, है ना? आप मेरे साथ खेलो. मेरा बच्चा. Mom, today is my birthday. I know, baby. इसीलिए तो मैं आपके लिए देखो क्या लाई हूँ. खोलो खोलो, gift खोलो. देखो देखो, खोलो खोलो, फटाफट खोलो. चलो पकड़ो पकड़ो. Wow, kya hai isme? I'm sure you'll like it. Dress hai. Oh my baby, huh? Happy birthday to you, my cutie pie. Ole 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 ole. Tum? How come? Tumne to kaha tha tum busy ho aur nahi aa sakte. अरे मैं तो तुमसे ऐसे ही मजाक कर रहा था. अपनी प्याली सी बच्ची का बर्थडे मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? सरप्राइज, यू सी. बेटा, मुझे कुछ जरूरी काम से अभी बाहर जाना है. आई हैव टू गो, बट योर मॉम विल स्टे विद यू, ओके? ये लो. डैड, आई मिस यू. आई नो दैट बेबी. सी, कुछ ही दिनों की तो बात है, तुम्हारी समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है, फिर हम लोग एक साथ इकट्ठे घर वापस जाएंगे. क्यों गीतांजलि? डैड, आप मुझे बोर्डिंग छोड़ने नहीं आए थे. हाउ डू आई बिलीव यू? बेटा, आपके क्लासेस का टाइम हो गया है ना, आप जाओ, मैं आपका यहीं पर वेट करूंगी. ओके, बाय. जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ. डैड, अपना प्रॉमिस मत भूलना. मैं जरूर आऊंगा बेटा. गीत, कम फास्ट. अरे क्यों गीत को झूठे सपने दिखा रहे हो? हम हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं अब. गीतांजलि, अलग होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी को बोर्डिंग से घर वापस नहीं ले जा सकता. घर? कौन सा घर? I know. I have to leave her to you. गीतांजलि, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगी. बाय.
चोयना, दैट्स द बंगलो। देव यहीं रहता है। ओके, कम ऑन, लेट्स गेट डाउन। क्षितिज, तुमने एक बात नोटिस की? क्या? इस बंगलों के दूर दूर तक, दिस साइड टू दैट साइड, ज्यादा रहने वाले लोग नहीं हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? नहीं। यही कि जिस बीमारी का शिकार देव है, ऐसे लोग ऐसे ही शांत जगह पर रहते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका उनके इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। डरते हैं कि कहीं किसी से कोई आर्ग्यूमेंट ना हो जाए। पर ऐसे लोग ऐसे भयानक एटमॉस्फेयर में रहने से डरते भी नहीं हैं। हाँ क्षितिज, चलो अंदर चल के देव से मिलते हैं। सोच लो जोयना, आई मीन इट्स टू लेट। ये ठीक रहेगा? ठीक रहेगा, ही इज योर फ्रेंड, आई एम हिज डॉक्टर, और फिर मुझे सिमरन से भी मिलना है। Are you sure? Yeah, I'm sure. Come on, boy, let's go. Fine. Great atmosphere, na? Yeah. यहाँ ठंड भी काफी है। Yeah. Hey, Kshitij. How are you, man? Hi, Dev. Surprise. Hi, Joanna. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. Simran, come. Simran, ये है Kshitij. Hi. Dr. Joanna. Hi. Hi, Simran. How are you? I'm fine. Actually, we had gone for dinner. She wanted to meet Simran. So, हम यहीं से गुजर रहे थे. सोचा दो मिनट मिल लेते हैं. So nice of you. I hope we are not troubling you. Not at all. आप लोग डिनर करके आ रहे हैं? Yeah. कुछ खाएंगे तो नहीं? कॉफी और टी? नो, नहीं दे, फिर कभी। आर यू श्योर? या, फिर कभी। प्लीज अ कॉफी फॉर मी? या, श्योर, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आई विल बी बैक। देव, तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक माय मेडिसिंस आर वर्किंग ऑन यू। यू थिंक सो? या देव, हम दोनों यही चाहते हैं कि तुम और सिमरन हमेशा खुश रहो। यू हैव जस्ट कम आउट ऑफ अ लॉन्ग डिस्टर्ब रिलेशनशिप एंड तुम उन बीती बातों को भूल जाओ देव। यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। क्यों जोयना? एग्जैक्टली, अ हैप्पी माइंड लीड्स टू हैप्पीनेस इन लाइफ। या, दैट्स ट्रू। इट्स गेटिंग वेरी लेट, आई थिंक वी शुड लीव। या, ओके देन देव, सी यू। प्लान फॉर लंच और डिनर सम टाइम यार। या, विल कम डेफिनेटली, विल कम। प्लीज। या, श्योर। यू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? यू टू। ओके, बाय बाय। बाय। Who's that? विकास। कौन विकास? अरे विकास कपूर, इतनी जल्दी भूल गई बेबी। भूलने की क्या बात है, मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। कैसे नहीं जानती सिमरन? कितनी बार मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट पे आया हूँ और तुमने ही तो मुझे अपना नंबर भी दिया था, और आज तुम ये कहती हो कि तुम मुझे जानती भी नहीं। कितनी बार हम दोनों ने आपस में फोन पे बातें की है। की होगी, बट अब से डिस्टर्ब मत करना मुझे। क्यों, अब ऐसा क्या हुआ? कुछ भी हुआ हो, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अच्छा ये बताओ, तुम हो कहाँ इस वक्त? कहीं भी हूँ, उससे तुम्हें क्या मतलब? किससे बात कर रही थी? और ये तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कैसा लगा? भाई, तेरी सिमरन तो तुझे पहचानती भी नहीं है। यार तू क्यों उस लड़की के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? पहचानेगी भाई, पहचानेगी, उसका बाप भी पहचानेगा। चल मौका दे।
या हेलो, कौन बात कर रहा है? विकास कपूर। विकास, हाउ आर यू विकास? मैंने आपको पहचाना नहीं। अब मिलोगे तो पहचानोगे ना? तो आ जाओ, मिल लेते हैं। कहाँ हो, कहाँ तुम? एज यूजुअल, रूट 61। ठीक है, आता हूँ मैं। बट मेक श्योर यू डोंट गो एनीवेयर। अरे नो यार। ओके। एक कम कम ब्रदर, लेट्स प्ले पूल यार। आई एम सो मच हाई यार, आई एम सो मच हाई। ए चल फ्रेम लगा। बोल दे यार, मैं पहले ब्रेक करूंगा। Thanks, Joanna. It's fine. And please, drive safely. आगे रास्ता थोड़ा खराब है, okay? क्षितिज, एक मिनट। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पता नहीं क्यों, मुझे देव से खूनी होने की स्मेल आती है। मैं तुम्हें समझा नहीं सकती क्षितिज, पर जब मैं पहली बार देव से क्लिनिक में मिली थी, तब से मेरी फीलिंग्स यही कहती है कि वो एक वायलेंट और मिस्टीरियस टाइप का इंसान है। Joanna, मैं समझता हूं कि एक साइकेट्रिस्ट का सोचने का तरीका कुछ और होता है, लेकिन यह बात तो तय है कि देव खूनी नहीं हो सकता। हां, माना कि उसके दिमागी हालत ठीक नहीं है, बट ही कांट बी अकेला। और जहां तक सिमरन की बात है, तो सिमरन को उससे कोई खतरा नहीं है। ओह कम ऑन Joanna, ही इज अ लविंग गाय, बहुत प्यारा आदमी है देव। मनी ब्रदर, हे लेटर बेबी लेटर। Sure. So, Vikas, come. Coming, baby. Here's okay. My bro. Bhai hai mera. Better. Vikas. Bro, there is a party at my place tonight. And I want you to be a part of it. But I don't know your brother. To main kaise aaunga? Yeah, that's also right. Okay. So, this is Vikas. And this is Dev. I think now we know each other. Right, yaar. Chalo, chalo. Yeah, party mein chalte hain, yaar. Come, Vikas. Chalo. We'll enjoy ourselves. देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ. Human brain के अंदर certain glands होते हैं. जो enzyme secrete करते हैं bloodstream में. Okay. और जब tumor hypothalamus को push करता है, तो इन एंजाइम्स की सिक्रीशन पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और जब यू नो ह्यूमन ब्रेन में हाइपोथैलेमस का संतुलन बिगड़ जाता है, तो उसके सोचने की समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। तुम ऐसा कह सकते हो कि उसका उसके इमोशंस पर बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं रहता। और देव के ब्रेन में तो पहले ही हाइपोथैलेमस का संतुलन बिगड़ चुका है। मुझे नहीं लगता किसी को भी उसके साथ रहना चाहिए। Joanna, चिल, इतना ज्यादा भी मत सोचो। देव इतना बुरा इंसान भी नहीं, ओके? मैंने देव को बुरा कब कहा? It's just that कि he is mentally unsound. Bye Joanna, take care. आज के लिए इतना ही काफी है, हम? Okay okay, bye bye. And yeah, go safely, हाँ? Yeah, I will. Bye bye. Bye. विकास, हाँ भाई, हाउ इज दिस गर्ल सिमरन? सिमरन, आई नो हर,
शी इज अ गुड गर्ल, यू नो, अच्छी लड़की है वो। कितनी अच्छी? तेरा इंटेंशन क्या है भाई? चाहिए मुझे? मतलब कि चाहिए मुझे यार? मिल जाएगी, पर नोट लगेगा भाई, यू नो, मनी टॉक्स ब्रदर, मनी टॉक्स। तुम उसे कब से जानते हो? अरे मैं उसे गोवा लेकर गया था, 2 दिनों तक वो मेरे साथ थी, यू नो, फॉर 2 डेज। सो हॉट। अब बोल कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा। अरे अच्छा लगेगा कैसे भाई, जब तक तू उसे बाहों में नहीं लेगा, झुलाएगा नहीं, उसके बाद ही तो अच्छा लगेगा। अब बोल कैसा लगा? नहीं अच्छा लगा। अरे तेरे को अच्छा लगेगा कब? अब अच्छा लगा। सिमरन, तुम्हें ये एल्बम कहां से मिला? इस घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। I myself have to clean the house. सफाई करते वक्त वो सामने वाले ड्रॉअर से मिली, तो सोचा खोल कर देख लूं। अच्छा किया, मैं तुम्हें ये सब दिखाने ही वाला था। Can I ask you something? बताता हूं। सी, ये जो कपल है ना इस एल्बम में, दे आर माई पेरेंट्स। दिस इज माई फादर मिस्टर संजय ओबेरॉय एंड माई मॉम मिसेस ओलिविया संजय ओबेरॉय। माई फादर ही वॉज अ होटेलियर, ही वॉज मैरिड टू अ जू, लव मैरिज। और
ये जो बच्चा है ना, ये मैं हूं। 6-7 साल का था उस वक्त, और एक दिन किसी ने मेरे माँ बाप को मार डाला। मुझे आज तक नहीं पता चला कि उन्हें किसने मारा है। बच्चा था उस वक्त, बहुत छोटा था। फिर ये फोटोग्राफ्स किसने खींची हैं? ऑफ कोर्स मैंने खींची हैं, अपने डैड के कैमरा से। सिमरन देखो, तुम इतनी डिटेल्स में मत जाओ वरना मैं ट्रांस में चला जाऊंगा। पता नहीं मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। सिमरन, तुम मेरे लिए एक पेन किलर ला सकती हो प्लीज, और थोड़ी कॉफी भी ले आना। ओके। कल का क्या प्लान है? कल क्या है? Tomorrow is your birthday. Oh, okay. ठीक है, कल लंच के लिए बाहर चलते हैं। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? Keep guessing till then. Okay. देव, लगता है इस जगह से तुम्हारी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं। शायद इसलिए अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। यू आर राइट सिमरन, इंसान का अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मैं उन सारी यादों को हमेशा हमेशा के लिए भुला देना चाहता हूँ, और वो है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। मैं हूं ना, बिलीव मी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। I respect you for that, Simran. मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। प्लीज फॉरगिव मी। आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हें आज के बाद यहां कभी नहीं लाऊंगा। देव, मैं जानना चाहती हूं इस जगह पर ऐसा क्या हुआ है जो तुम आज तक भुला नहीं पाए हो। सुनना चाहती हो? तो सुनो। What have you done, देव? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे मालूम है, ये तुम्हारा कॉल लेटर है। तुम अब्रॉड नहीं जा रही हो बस। देव, मैं ट्रांसफर भी तो ले सकती हूँ ना। आई मीन, कितना अच्छा जॉब ऑफर कर रहे थे वो। तुम्हें पता है कितनी सैलरी थी? आई नो, 2 लाख इंडियन करेंसी। गीतांजलि, यू हैव टू डिसाइड बिटवीन मी एंड योर करियर। इधर टेक इट और लीव इट। टेक इट और लीव इट। टेक इट और लीव इट। तुम आज भी कितना प्यार करते हो गीतांजलि को? मुझे नहीं पता। करते हो? मुझे नहीं आज पता। आज भी करते हो? मुझे नहीं मालूम। काश गीतांजलि को उस दिन मैंने जाने से नहीं रोका होता तो आज शायद उसकी यादें भी नहीं होती। एनीवेज, व्हाई यू स्पॉइलिंग योर मूड? कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन, डोंट टच मी। कम ऑन सिमरन, कम। हम तो घर पर वापस आ गए, हम तो लंच पर जाने वाले थे। मैंने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। मगर क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं गीतांजलि से प्यार करता हूँ, गीतांजलि से प्यार करता हूँ? तुम्हें बताओ मैं किससे प्यार करता हूँ? चलो मेरे साथ, चलो चलो। आई विल शो यू। तुम्हें देखना है ना मैं किससे प्यार करता हूँ? बताता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ क्यों लाए हो? बता रहा हूँ तुम्हें। ओह
गॉड। पहचाना? अब ये मत कहना कि तुम इसे नहीं जानती। Really, I don't know. You don't know him? No, I don't know. विकास। कौन विकास? अरे तुम्हारे रेस्टोरेंट का रेगुलर कस्टमर। मिस कॉल देता था ना तुम्हें? बहुत अच्छे से जानता था। खत्म कर दिया इसको। और ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा तीसरा कोई नहीं जानता है। और आई एम श्योर तुम तो ये बात किसी को बताओगे नहीं सिमरन। तुमने मुझे बुलाया सिमरन? तुमने मुझे बुलाया क्या? क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? कौन नहीं डरेगा जिस बंगलों के कंपाउंड में एक लाश दफनाई गई हो, उस बंगलों में रहते हुए कोई भी डरेगा। डरने से क्या होगा? अब जो होना था वो तो हो ही गया। सिमरन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। और हाँ, एक रास्ता है तुम्हारे पास। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा भी सकती हो। अंडरस्टूड? तो तुम्हारा डर भी दूर हो जाएगा। वेरी सिंपल। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। तो फिर डरना बंद कर दो। हम कितने दिनों तक इस बंगलों में और रहेंगे? कांट वी चेंज द प्लेस? वी कैन, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। देखो सिमरन, अगर हम अचानक इस जगह को छोड़ देंगे ना, तो किसी को भी हम पर शक हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी हम पर शक करे, समझी तुम? No, I don't agree with that. देखो तुम्हारा डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ डिवोर्स की पिटीशन फाइल की गई है। और जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता, तुम किसी दूसरी औरत के साथ में नहीं रह सकते। गीतांजलि अगर चाहे तो तुम पे बिगेमी का केस दर्ज कर सकती है। हाँ, यह अलग बात है कि मैंने अंडर सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट विद म्यूचुअल कंसेंट कोर्ट में दर्ज किया है, इसलिए कोई कोर्ट बिगमी का केस एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं तुमसे एक और बात कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, वो यह कि कुछ वक्त ही तो बचा है यार। व्हाई डू यू वांट टू टेक अ रिस्क? मिस्टर राय सिंघानी, आप मुझे डरा रहे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आप मेरे लॉयर हैं या गीतांजलि के। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे यही कहोगे। अरे भाई, मैं तो तुम्हें वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो तुम नहीं समझते। कानून की भाषा से तुम इतना ही डरते हो तो गैर कानूनी काम क्यों करते हो? हाँ देव, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूं कि तुम सिमरन से प्यार मत करो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सिमरन के साथ इस तरह खुलेआम इस घर में तो मत रहो। अरे सिमरन, आओ आओ आओ, तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, बैठो। देखो सिमरन, मैं देव का लॉयर हूं और इसे यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि गीतांजलि का डिवोर्स जब तक इसके साथ नहीं हो जाता, तुम्हारा इस घर में रहना इसके साथ में सही नहीं है। अब तुम लोग दोनों जो भी डिसाइड करोगे, कैरी ऑन, मैं तो सिर्फ एक लॉयर हूं और लॉयर की हैसियत से तुम्हें एडवाइस दे रहा हूं। राइट? या ओके, कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बाय। Bye. Yep.
सिमरन, तुमने खाना खाया? I mean, you had your dinner? नहीं, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। पता नहीं यार ये लाइट कैसे चली गई, नॉर्मली जाती तो नहीं है, आ जाएगी। देव, इस दुनिया में मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन डरती हूँ। सिमरन, तुम राय सिंह हनी साहब के एडवाइस से डर रही हो क्या? देखो, वो मेरे वकील है और मैं उनका क्लाइंट, और वकीलों का काम होता है क्लाइंट को डरा कर रखना। सी सिमरन, वी लव ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करते हैं हम लोग, हम दोनों को एक दूसरे से अलग कौन कर सकता है? तुम बिना वजह मत डरो। देव, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। ओह वाओ, व्हाट आर यू सेइंग? दैट्स अमेजिंग। पता नहीं ये सब कैसे हैंडल कर पाऊंगी मैं। सिमरन, यू नो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस अर्लियर आल्सो, मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। आई ट्रस्ट यू फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ। या स्वीट हार्ट, यू कैन रियली ट्रस्ट मी। लेकिन देव, मुझको डर लगता है कि कभी पुलिस हमारे दरवाजे पर ना आ जाए, पता नहीं हमारे बच्चे का क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं है। जरा सोचो देव। सिमरन, मैंने कौन सा जुर्म किया है? तुमने खून किया है देव, मर्डर। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने खून किया तो जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, बता दो सब लोगों को। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अरे अगर ऐसा नहीं कर सकती तो शांति से तो बैठो, मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है मुझे पता है, तुम्हें मुझे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं। पता नहीं मेरे सिर में कैसा दर्द हो रहा है। सिमरन, आई थिंक आई हैव टू गो टू सी डॉक्टर जोआना नाउ। और हाँ, देखो तुम मेरा वेट मत करना, खाना वाना खा लेना। प्लीज देव, मत जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। सिमरन, तुम्हारा ये डर मुझे पागल कर देगा, ओके? आई हैव टू गो नाउ। देव, तुम इतनी रात को, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह हाँ, या श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। बैठो ना देव। If you don't mind, can I have one? Okay. Thank you.
You drink? No, not at all. Hey, don't have it neat. Come on. I'll get you some water. I'm used to it. Sorry. अच्छा देव, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ. I mean, about your family, how you met Simran. बहुत लंबी दास्तान है. And I don't think you'll like it. मैं फिर भी सुनना चाहूंगी. And please, don't call me doctor. Doctor is a very formal word. Just call me Joanna. We are friends, huh? Okay. Actually, मैं बचपन से ही अकेला रहा हूँ. मैं जिससे प्यार करता हूँ, वो मुझे छोड़कर चला जाता है. कोई समझता ही नहीं है. मानसिक रूप से बीमार हूँ ना. बट मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें मेरी क्या गलती है. यू नो, आई एम जस्ट बॉर्न दैट वे. बचपन में अपने अंकल के साथ मैं इंडिया आया. वो मुझे समझते थे. आई लव्ड हिम अ लॉट. और एक दिन अचानक स्लीपिंग डेथ सिंड्रोम से वो नहीं रहे. ही वेंट टू मीट हिज मेकर. उसके बाद मैंने शादी की. लव मैरिज. गीतांजलि. गीत पैदा हुई. डिवोर्स. और अब सिमरन. ये सब तो ठीक है देव, पर तुमने अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया. एक्चुअली उनके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है. हाँ, बचपन से अपने अंकल को ही मैंने अपने माँ बाप के रूप में देखा है. How can I believe him? Whether all this is true or not? अरे क्या हुआ? तुम कहाँ खो गई? Absolutely nothing. अच्छा एक बात बताओ. तुम अल्कोहल नहीं लेती? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो ये इतनी सारी बॉटल्स किसके लिए हैं? ये सब मेरी एक्स हस्बैंड की हैं. हमारा डिवोर्स हो चुका है. Oh, that's very sad. Nothing is sad. It's just how you take it. पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है. You know, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे वो क्यों मुझसे दूर चला जाता है? Relax. अरे मैं सुख शांति से जीना चाहता हूँ. तुम मुझे बताओ, मैं एक पीसफुल लाइफ कैसे जी सकता हूँ? मतलब Just calm down. अरे कैसे? Just calm down, Dave. I want to have one more. No, please don't. Don't. I'll manage. No, Dave. Please don't drink. अरे I want to have one more, please. Please. Please, यार, give it to me. Oh shit. Oh, sorry. तुम्हें लगा तो नहीं ना? No, I'm fine. Dave, I'm fine. You know, I want to say something. Just leave me first. I love you. What? Yes. What are you saying? I'm in love with you. Dev, just leave me. प्यार करता हूँ मैं तुमसे. Dev, please. Come on. Dev. Come on. Dev, please leave me. I love you. Leave me, Dev. Come on. I love you. Dev, just leave me. I love you. Please. देव
Have coffee. Thank you. Johanna, trust me. कल रात हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, it was not planned. You know, I don't know how. It just happened. Dev, everything is written. And I don't regret anything in life. And let me tell you one thing, Dev. I am not at all in love with you. So now onwards, you should not think of coming close to me. Because it's not going to happen again. It's just that I got carried away. वरना इतने बड़े बंगलों में अकेली रहने वाली लड़की अपनी सेफ्टी करना भी जानती है। Joanna, I have no idea what exactly you are talking about. Truth. Okay. Can I ask you something? When you I am not answerable to you, Dev. Moreover, I don't like people who ask me questions. Okay. What are the other things you don't like, Joanna? Why should I tell you? Have your coffee. I have to get to work. Okay. Joanna, I am... I said, have your coffee and just leave. What you have come to know is true. हम दोनों शादी करने वाले हैं. Wow! That's great. Congratulations. Thank you. She's a great girl. अच्छा ये बताओ तुम देव से क्यों मिलना चाहती हो? Simran का फोन आया था. And she told me that she's pregnant. कल रात देव भी घर नहीं पहुंचा. I mean, she tried to call him a couple of times. But he did not answer. Don't you think it's strange, Doctor? I mean, she was sounding really very tensed. What? What are you saying? Dev raat ko ghar nahi pahuncha? Kaise? Aisa kaise ho sakta hai? I mean, meri kuch hi der pehle meri Dev se baat hui and I asked him to come to your place and he said, fine, I'm coming. I don't know, but that's what Simran told me. Oh, hi Dev. Hey, how are you, man? I'm good. She is Dr. Pranala. Hi. Hi. Dr. Pranala ne hi mujhe aur Joanna ko milwaya tha. Oh, that's how I know Dr. Joanna. Please, that's great. Have a seat. Thank you. Please. Oh, just a minute. Hello. ओके डोंट वरी डॉक्टर मीना मैं 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं ओके या सॉरी मेरी एक पेशेंट कल रात को एडमिट हुई थी शी इज नॉट कीपिंग वेल सो आई हैव टू गो गॉड ब्लेस हर लेकिन तुम लोग बैठो और देव बी कंफर्टेबल शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ओके या डोंट वरी ओके टेक केयर बाय बाय टेक केयर ओके देव ओके आई विल सी यू लेटर बाय या बाय Oh. Doctor's life is very tough. Yeah, that's true. Doctor, aap yahan akeli rehti hain? Yes, Mr. Dev. I stay alone. Oh. I mean, I'm not married. Oh. Okay, aapko itne bade bangle mein akele rehne mein dar nahi lagta? Mr. Dev, doctors are not afraid. I mean, every day We see people dying, so we are used to everything in life. Yeah, actually, doctor's job is really very scary. I mean, at times. Not actually, Mr. Dev. Yeah, वो तो है. So, doctor, you never thought of getting married? I mean, No, I never thought of getting married. I mean, कभी time नहीं मिला सोचने के लिए. It's really hard to believe.
Just tell me what kind of men you really admire. I'm sorry. I think I'm getting too personal now. That's okay. That's fine. अच्छा डॉक्टर आप मुझसे मिलना चाहती थीं। Is there any particular reason? Mr. Dev, Dr. Shridhar was praising you a lot. So, I just wanted to meet you. Oh. That's it. Dr. Shridhar was praising me. Hmm. So, you thought of calling me home? Yeah. That's really sweet of you. Thank you. Okay. So now, we are friends? So sorry. That's okay. It happens. Okay, I'll make a move then. Okay. Bye. Bye-bye. से बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसके लिए शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जॉयना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आर यू ओके? ये तुम क्या कह रही हो आज? सी जॉयना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम प्लीज इस तरह की बातें मत करो। टेक योर वर्ड्स बैक प्लीज। पर गलती हो चुकी है क्षितिज, और अब कुछ भी नहीं हो सकता। व्हाट डू यू मीन कुछ नहीं हो सकता? जॉयना, तुम कहना क्या चाहती हो? कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों अब एक नहीं हो सकते? It all depends on you. फैसला तुम्हारे हाथ में है। जॉयना, आई लव यू सो मच। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, और ना ही मैं कुछ जानना चाहता हूं। I've never seen a man like you, क्षितिज। डॉक्टर एलिस का मेल आया था। रीड दिस। देखा क्षितिज, डॉक्टर एलिस क्या कह रहे हैं? ये स्कैन मेरा पहले भी देखा हुआ है। ये स्कैन सैम नाम के एक लड़के की है जिसने बचपन में ही अपने माँ बाप को मार डाला था। इसका मतलब ये हुआ कि देव का असली नाम सैम है। यू आर नॉट शॉक्ड क्षितिज? देव इज अ किलर। मैं तो शुरू से ये बात कह रही थी। मुझे पता है जॉयना, मुझे पता है। देव ने बचपन में अपने माँ बाप का खून किया था, लेकिन यूके कोर्ट ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि तब वो ना समझ था। फिर अपने मेटरनल अंकल परेरा के साथ वो इंडिया आ गया। पर तुम ये सब कैसे जानते हो? We were next door neighbors in London, जॉयना। हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं। But he was my senior। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम देव को गीतांजलि के थ्रू मिले थे। इंडिया में मैं देव को गीतांजलि के थ्रू ही मिला था जॉयना। उसकी दिमागी हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने तुम्हें उसका ट्रीटमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट की। हमें सिमरन को देव के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। इससे क्या होगा? जो भी हो, सिमरन की जान खतरे में है। हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए। हेलो। हेलो सिमरन। हाय, डॉक्टर जॉयना हियर। हेलो डॉक्टर जॉयना, हाउ आर यू? या आई एम फाइन। एक्चुअली डॉक्टर क्षितिज तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। या श्योर। सिमरन, सिमरन, एज यू नो डॉक्टर जॉयना इज ट्रीटिंग देव। आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें उस दिन नहीं बताई थी। मुझे पता नहीं इसका तुम पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन मेरा अभी इसी वक्त बताना जरूरी है। डॉक्टर क्षितिज, आप मुझे देव से रिलेटेड हर बात बता सकते हैं। इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट हिज लीगल वाइफ। हमारे बीच सिर्फ शादी नहीं हुई है, बट मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ओह गॉड, आर यू सीरियस? या, आई एम डैम सीरियस। सिमरन, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। देव का असली नाम सैम ओबेरॉय है, और बचपन में उसने अपने माँ बाप का खून किया था। वक्त बेवक्त उसे पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं,
और ये बात तो तुम जानती ही हो सिमरन, गीतांजलि भी देव की हरकतों से परेशान थी, इसीलिए उसने देव को छोड़ दिया। सो एज योर वेल विशर, मैं चाहता हूं कि यू शुड रन फॉर योर लाइफ सिमरन, तुम अभी इसी वक्त देव से अलग हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और हां सिमरन, एक बात का ध्यान रखना। हेलो सिमरन, मैं जानती हूं क्षितिज कि तुम मुझसे हुई गलती के बारे में जानना नहीं चाहते, पर मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकती। पर तुम्हें मुझे एक बात का प्रॉमिस करना होगा कि तुम देव से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। देव? देव का तुम्हारी गलती से क्या रिलेशन है? है क्षितिज, ही लर्ड मी इनटू हिज चीप टैक्टिक्स और मैं खुद को संभाल नहीं सकी। आई गॉट कैरिड अवे, आई एम सो सॉरी क्षितिज, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो मतलब ये तुम क्या कह रही हो जो है ना, प्लीज कह दो कि ये झूठ है, झूठ है ना? I'll not leave him. मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा चोयना। क्षितिज तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। Swear on me, क्षितिज। प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। Swear on me. Okay. Okay. मैं चलती हूँ क्षितिज। मैं तुम्हें घर छोड़ देता। आई नीड सम स्पेस, आई होप यू डोंट माइंड। अब इतनी रात गई, तुम कहाँ जा रहे हो देव? डॉक्टर क्षितिज से मिलने। तो ये पिस्टल लेके जाना जरूरी है? हाँ है, फॉर पर्सनल सेफ्टी। डॉक्टर क्षितिज से तुम्हें क्या खतरा है? अरे डॉक्टर क्षितिज से मुझे क्या खतरा हो सकता है, जंगली जानवरों से तो है। इतनी रात गए, अगर मेरी गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई तो व्हाट विल आई डू? आज तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन सिमरन हो तो सकता है ना? ट्रस्ट मी देव, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आई एम टेलिंग यू, यू गिव मी द पिस्टल। आई एम टेलिंग यू, गिव मी द पिस्टल। आज के बाद तुम इसे कभी हाथ नहीं लगाओगे। One quick question, देव। डॉक्टर क्षितिज मुझे कुछ बताना चाहता था जो तुमने सुना है। आखिर क्या बात है देव, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? सिमरन मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? There is nothing wrong with me. I am perfectly fine. Look at me. मैं इतनी रात गई तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्लीज डोंट स्टॉप मी, मेरा क्षितिज से इस वक्त मिलना बहुत जरूरी है। Please understand. Please, Dev, मत जाओ. Simran, I'll make sure that I come back early, sweetheart. I promise you, मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। मुझे मालूम है तुम्हें यहाँ डर लगता है। On top of that, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। And I know for sure, you're going to give me a beautiful child like you, sweetheart. I know, you've been a great partner so far. You have never ever let me down. I appreciate all your concerns about me, but Simran, please. I'll have to. Simran, please allow me. Please let me go. No. Simran. Okay. But promise me one thing. तुम डॉक्टर क्षितिज से कोई फाइट नहीं करोगे? अरे डॉक्टर क्षितिज से मैं फाइट क्यों करूंगा यार? He's a good friend of mine. I don't trust you. मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. Okay, so what you want me to do now? Swear on me, तुम मुझसे बिल्कुल भी फाइट नहीं करोगे। Okay, swear on you. Happy now? Okay, अब चलो। One more thing, Simran. I love you. I mean it, huh? Okay, you take care of yourself. I think I should call up Dr. Joanna. What else you want to know, Simran? Dr. क्षितिज ने तुम्हें सब कुछ तो बता दिया है। You should run for your life. तुम अपनी जान बचाओ, please. But why? लेकिन क्यों? Dave is a killer.
बचपन में उसने अपने मॉम डैड का खून किया है। पागल और अनप्रिडिक्टेबल आदमी है वो, कुछ भी कर सकता है, तुम्हें जान से मार सकता है। What wrong has he done to you? उसने तुम्हारे साथ तो कुछ बुरा नहीं किया है ना? Come on, किया है, बहुत बुरा किया है। I was treating him without taking any money. But what, Joanna? उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? I want to know. I said he ruined my life. He forced me. Forced you? For what? He took advantage of me. That was something I did not want to do. I was alone, and he could do that to anyone, you know. Hello. Are you there? Simran? Okay. Here she is. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. देव, तुमने जॉयना के साथ अच्छा नहीं किया। जॉयना फ्री ऑफ चार्ज तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही थी और तुमने उसे वो सब करने के लिए मजबूर कर दिया जो वो तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती थी। यू नो व्हाट देव, तुमने उसके अकेलेपन का और मौके का फायदा उठाया है। आर यू अ नट क्षितिज? तुम्हें लगता है जॉयना तुम्हें पूरी सच्चाई बताएगी? उस रात मेरे और जोयाना के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसमें शी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल मैन। ठीक है यार, आदमी हूं, बहक गया, व्हाट्स अ बिग डील बॉस? यू आर लाइंग देव, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ये सच्चाई होती तो जोयाना मुझे खुद से ये सब कुछ नहीं बताती। क्षितिज, शी इज फूलिंग यू मैन, शी इज फूलिंग यू। सच्चाई ये नहीं। और यार, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं क्यों? तुम क्यों मुझे नहीं बताओगे? हाँ, मेरा हक बनता है। हक बनता है? क्या हक बनता है तुम्हारा सिमरन को वो सब बताने का जो उसे नहीं जानना चाहिए? ब्लडी हेल, शी इज 4 मंथ्स प्रेग्नेंट, मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। कोई जवाब तुम्हारे पास? या तुम क्षितिज, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? लेकिन आज मुझे यकीन हो रहा है कि गीतांजलि को भड़काकर डिवोर्स के लिए इनिशिएट करवाने में तुम्हारा हाथ है। गीत आज बोर्डिंग में है, तुम्हारी वजह से। मेरे करीब कोई भी औरत आती है, तुम उसे मुझसे दूर कर देते हो। लेकिन आज वक्त आ गया है तुम्हारी इस मंद मंद मुस्कुराहट को शांत होने का। क्षितिज, यू हैव टू डाई नाउ, यू हैव टू डाई, यू ब्लडी स्नेक, यू हैव टू डाई। देव, देव, शिट, लीव हिम। व्हाट आर यू डूइंग? सिमरन, ड्रॉप द ब्लडी पिस्टल, ही हैज टू डाई। तुम मुझे अगर जिंदा देखना चाहते हो तो डॉक्टर क्षितिज को छोड़ दो। ओके, ओके, आई एम नॉट किलिंग एनीवन। क्षितिज जोसेफ, Shitish is not going to die, baby. You drop it. You drop it. No. Please, Simran. किस किस को मारोगे देव? तुम्हारा ये खूनी खेल कभी खत्म नहीं होगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे। It's not like that, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। It's not like that, baby. Let me finish myself. I can't afford to lose you. मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। Please calm down. Just take it easy. Just take it easy. Give it to me. Give it to me, sweetheart. सिमरन ने आखिर देव को मार ही डाला।
देव एक मानसिक रूप से बीमार इंसान था जिसके सर पे कत्ल करने का जुनून सवार हो गया था। ऑनरेबल कोर्ट ने सिमरन के ऊपर मुकदमा दर्ज तो किया लेकिन चलाया नहीं, क्योंकि वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। सिमरन ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लड़की को जन्म दिया और फिर डॉक्टर क्षितिज ने सिमरन और उसकी बेटी की ऑनरेबल कोर्ट से मेडिकल कस्टडी ले ली। अब डॉक्टर क्षितिज उन दोनों की देखभाल करता है। इस कहानी का अंत अभी बाकी है। 8 years later, 8 साल बाद। डैडी, मैं तुम्हें कितने दिनों से मिलना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर अंकल मुझे आज लाए। तुमसे और बात करने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। Everybody calls you a killer and a madman. I don't believe them. You are so good looking. Daddy, आपको पता है मम्मा की तबीयत कितनी खराब है। She can't talk. अगर आप यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। I want you. मैं एंजल से कब तक बात करूँ? Why don't you understand? Dogs cannot talk. हेलो क्षितिज। हाँ बोलो गीतांजलि। सिमरन कैसी है? इज देयर एनी इम्प्रूवमेंट? गीतांजलि, सिमरन हैज बिकम अ वेजिटेबल। वो एक जिंदा लाश है। अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं, मैं सिमरन को इस हालत में छोड़ नहीं सकता। चोयना भी यही चाहती है। और तुम क्या चाहते हो क्षितिज? आई मीन व्हाट डू यू वांट? गीतांजलि, सिमरन ने मेरी जान बचाई है। बहुत बड़ा एहसान है उसका मुझ पे। यू आर लकी क्षितिज कि तुम्हें जोयाना जैसी लाइफ पार्टनर मिली है, वरना आजकल कौन किसके बारे में इतना सोचता है, यू नो? आई अग्री, जोयाना से अच्छी लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिल सकती थी। शी लव्स मी अ लॉट एंड सो डू आई। क्षितिज, आई हैव डिसाइडेड। व्हाट? दैट आई विल टेक केयर ऑफ सिमरन एंड हर डॉटर। क्योंकि आज सिमरन और उसकी बेटी की जो भी हालत है वो देव की वजह से है। और देव से कभी मैंने प्यार किया था, शादी की थी। आज तक हमारी डिवोर्स की पेटिशन ऑनरेबल कोर्ट में पेंडिंग है एंड आई एम स्टिल हिज ऑफिशियल वाइफ। क्षितिज, इसलिए मैं सिमरन और उसकी बेटी का ख्याल रखना चाहती हूँ। क्षितिज, तुम प्लीज उन्हें मेरे पास ले आओ। तुमने इतने सालों तक उनका ख्याल रखा है, अपना फर्ज निभाया है। अब मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने दो, तब ही देव की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि देव सिमरन से प्यार तो बहुत करता था। ओके, एज यू विश। आई एम वेटिंग फॉर यू टू कम क्षितिज। लेट्स गो सिमर, लेट्स गो टू योर न्यू हाउस। Here they are, Gitanjali. Thank you, Kshitij. You don't have to worry at all. I trust you, Gitanjali. Thank you. चलो बेटा, अंदर चलते हैं। आई एम योर मॉम नाउ। ओके आंटी। कम, लेट्स गो। कम। या
Show me your dog. Oh my god, that's so cute. Her name is Angel. You like the house? It's your house now. Yeah. आंटी ये तो मेरे डैड का फोटोग्राफ है। हाँ ये तुम्हारे डैड का ही घर है और अब तुम इसे अपना ही घर समझो। मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। ओके आंटी। Thank you.